अभी हमने किसकी विड्थ निकाल ली? सेंट्रल के। सेंट्रल के अलावा जो भी मैक्सिमा होगा उसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मुझे क्या निकालनी है? विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको वाईडीएससी में क्या बोलते थे या इसमें क्या बोले, हम क्या निकालना चाह रहे हैं? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब बीटा, फ्रिंज विड्थ। हम फ्रिंज विड्थ निकालने जा रहे हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रिंज विड्थ। हमने वाईडीएससी में फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन की थी, ये फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन है। अब सेंट्रल राइट फ्रिंज की तो विड्थ आ चुकी है, अब सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकाल रहे हैं। तो सेंट्रल के अलावा जो भी मैक्सिमा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब कैसे करते थे वाईडीएससी में? हम सेंटर पॉइंट से एनथ डार्क फ्रिंज या एनथ डार्क का डिस्टेंस निकालते थे। मैंने विड्थ किसकी निकालनी है? मैक्सिमा। तो विड्थ डिस्टेंस तो डार्क का निकलता है, फिर एन माइनस वनथ डार्क निकालते थे, फिर दोनों डार्क और डार्क के डिस्टेंस को माइनस करके ब्राइट के फ्रिंज बाहर आती थी। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जब मैं हेडिंग लिखता हूँ कि मैं फ्रिंज विड्थ निकालना चाहता हूँ या विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना चाहता हूँ, तो लोग पूछते हैं सर ये समझ में नहीं आया, बताएंगे कि आपने मिनिमा की कंडीशन कैसे लिख दी, लगता है गलत लिख दिया, क्योंकि हेडिंग तो मैक्सिमा है और आप कंडीशन किसकी लगा रहे हो? मिनिमा। उल्टा है, वाईडीएससी में भी और डिफ्रेक्शन दोनों में उल्टा है। अगर मुझे विड्थ मैक्सिमा की निकालनी है तो मेरी थ्योरी किस पे चलती है? मिनिमा पे। और अगर मिनिमा की विड्थ निकालनी है तो कंडीशन किसकी चलती है? मैक्सिमा की। बिल्कुल ठीक किया ये। मुझे इसमें क्या निकालना है? विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मैं एनथ मिनिमा का डिस्टेंस ढूंढना चाहता हूं, दो मिनिमा के डिस्टेंस को माइनस करके मैक्सिमा की विड्थ बाहर आ जाएगी। तो स्टार्ट विद मिनिमा। मिनिमा की कंडीशन क्या है? एनथ मिनिमा क्या है? ए साइन थीटा एन लैम्डा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? एन लैम्डा बाई ए। एंगल छोटा है तो साइन थीटा की जगह थीटा, और बिल्कुल वैसे भी बताया था टैन थीटा क्या होता है? एक्स बाई डी। वहां से थीटा अप्रोक्सीमेटली एक्स बाई बड़ा डी। इन्हें इक्वेट कर लें, इक्वेट करके वैल्यू आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एक्स क्या ढूंढ रहे? सेंटर पॉइंट से दूरी ढूंढ रहे। किसकी? मिनिमा की मैक्सिमा की? मिनिमा की मैक्सिमा, पर हेडिंग तो मैक्सिमा चल रही है। ये एक्स की वैल्यू क्या आई? एनथ मिनिमा की मैक्सिमा? मिनिमा, क्योंकि कंडीशन किसकी चल रही है? मिनिमा। तो ये मैंने एनथ मिनिमा की दूरी ढूंढ ली। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर मान लो पेपर में आ गया सेवंथ मिनिमा, सेवंथ मिनिमा की दूरी निकालो तो एन की जगह सात पुट कर देना, टेंथ मिनिमा की दूरी निकालो तो टेन पुट कर देना, ऐसे आएगा। जैसे पोजीशन ऑफ मिनिमा बोलते हैं। तो ये लिखा भी हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा फ्रॉम सेंटर पॉइंट। तो अब मुझे क्या निकालनी है? विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा कितना विड्थ, इस मैक्सिमा की कितनी विड्थ होगी? तो एक काम करते हैं, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बीटा किसका निकालना चाहता हूँ, विड्थ किसकी निकालना चाहता हूँ? मैक्सिमा की। और मैं माइनस क्या करूंगा? एनथ मिनिमा के डिस्टेंस में से एन माइनस वनथ मिनिमा को माइनस करूंगा, तो अपने आप मेरे पास विड्थ किसकी आ जाएगी? मैक्सिमा की, जैसे वाईडीएससी में किया था। तो इसलिए स्पेशली लिखा हुआ है मैंने, ये मैक्सिमा की विड्थ है, ये एनथ मिनिमा है, ये एन माइनस वनथ मिनिमा है। तो एनथ मिनिमा किसके इक्वल है? एन लैम्डा डी बाई ए किया था अभी, और एन माइनस वनथ क्या है? एन माइनस वन लैम्डा डी बाई ए। इन्हें माइनस करके वैल्यू क्या आ गई? इन्हें माइनस कर लेना, लैम्डा डी बाई ए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। विड्थ ऑफ मैक्सिमा की विड्थ क्या आ गई? लैम्डा डी बाई स्मॉल ए, जबकि वाई डी एस सी में क्या आती? लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, इसमें छोटे डी की जगह स्मॉल ए, एक ही बात है, फॉर्मूला याद करना ही सही है, बस नहीं कर सकते बुक्स, फिर फर्क नहीं पता लगेगा ना। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे क्या निकालनी है? विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ये इंपॉर्टेंट है सारा, बहुत आना ही आना है। अब मुझे विड्थ किसकी निकालनी है? सेकेंडरी मिनिमा। तो मैं दो मैक्सिमा के पॉइंट को माइनस करूंगा तो मिनिमा की विड्थ आ जाएगी। तो शुरू कहां से होगा? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ए साइन थीटा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 मैक्सिमा की कंडीशन है। यहां से a नीचे आ गया, साइन थीटा आ गया, एंगल छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा से टैन थीटा भी x डैश बाई डी अभी दिखाया था सेम। इन्हें इक्वेट कर लो, इक्वेट करके x डैश की वैल्यू आ गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस ऑफ nth
मैक्सिमा, क्योंकि हमने कंडीशन किसकी लगानी शुरू की है, मैक्सिमा की। तो ये डिस्टेंस है किसका, एनथ मैक्सिमा का। अब ये एनथ मैक्सिमा का डिस्टेंस है, इसे नोट कर लें एज अ फॉर्मूला, एनथ मैक्सिमा का डिस्टेंस है, ठीक है यहां तक। अब मुझे विड्थ किसकी निकालनी है, मिनिमा की, मुझे विड्थ मिनिमा की निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, एनथ मैक्सिमा में से एन माइनस वनथ मैक्सिमा को माइनस कर दूंगा। तो ये जैसे क्वेश्चन में यूज होगा कि डिस्टेंस निकालो सेवंथ मैक्सिमा की दूरी कितनी है, तो एन की जगह 7 फुट कर देना आंसर आ जाएगा। एट्थ मैक्सिमा की दूरी कितनी है, एन की जगह 8 फुट कर दो, मैक्सिमा का वैल्यू आ जाएगी। तो एनथ मैक्सिमा में से एन माइनस वनथ मैक्सिमा क्या होता है, एन की जगह रिप्लेस कर दो एन माइनस वन। तो आप जब इन्हें माइनस करेंगे, ओपन करेंगे, फॉर्मूला फिर से वही आएगा, लैम्डा डी बाय ए सेम। तो ये विड्थ किसकी आ गई, सेकेंडरी मिनिमा की। तो सेकेंडरी, सेकेंडरी वर्ड काफी यूज करते हैं इसमें, प्राइमरी तो सेंट्रल ही है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि विड्थ कैसे निकलेंगी इसमें।